हेलो स्टूडेंट, प्रेपराइज में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने पीछे जो हमारी टेस्ट सीरीज जो थी, ठीक है, उसके ऊपर हम चले हुए हैं। आज भी हमारा जो टेस्ट जो है उसके ऊपर 25 प्रश्न, हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं उनको लेकर मैं आपके सामने आया हूँ कि हमें कितना याद रहा और कितना भूल गए हम। ठीक है, तो देखो चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न जो है, ठीक है, ये क्रिया के ऊपर है, क्रिया के भेद के ऊपर है कि अकर्मक क्रिया कहते हैं, अकर्मक की क्रिया जो हमारे पास है किसे कहते हैं। देखो, जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता को मिलता है, कार्य से भागने वाले को, कार्य ना करने वाले को, या इनमें से कोई नहीं, अकर्मक। ठीक है, अकर्मक जो, ठीक है, अकर्मक बिना कर्म के, जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता को मिलता है, ठीक है, कार्य से भागने वाले को, कार्य ना करने वाले को, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आइए, अपना उत्तर लिखिए कि आपका उत्तर क्या है, और यहां से सही उत्तर देखिए कि यहां से उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा क। ठीक है, जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता को मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया। ठीक है, अब प्रश्न नंबर दो जो है, निम्न वाक्यों में किस वाक्य में वचन का सही प्रयोग हुआ है। अब हमने देखना क्या है, वचन। ठीक है, हिंदी में दो ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, तो मेरी होश उड़ गई, हमारे होश उड़ गई, मेरे होश उड़ गए, मैं होश उड़ गए। तो देखो कि इसका वचन का सही वचन का प्रयोग देखना है कि इन चारों में से हमने सही वचन का प्रयोग किस में हुआ है। ठीक है, किस वाक्य में सही वचन का प्रयोग हुआ है। तो इसका सही उत्तर जो होगा, तो इसका सही उत्तर होगा ग, मेरे होश उड़ गए। ठीक है, तो ये हमारे पास वचन था। हिंदी में वचन कितने होते, दो ही होंगे, कौन कौन से, एक वचन और बहुवचन। लेकिन संस्कृत में वचन कितने होंगे, तीन, एक वचन, ठीक है, ठीक है, द्विवचन और बहुवचन। अब देखो कि प्रश्न नंबर तीन जो हमारे पास है, जिन शब्दों से किसी ऐसे पदार्थ का बोध होता है जिसे हम नाप तोल सकते हैं। तो जिसे हम क्या कर सकते हैं, नाप तोल सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते, उनकी गिनती नहीं होगी, उनको हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, उनका नाप, भाव तोलन कर सकते हैं उनका। ठीक है, ऐसे शब्द, ऐसे पदार्थों का बोध होता है जिसे हम नाप तोल सकते हैं लेकिन उन्हें, उनकी गिनती नहीं करेंगे, तो उनको हम क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा। तो देखो कि जिनका हमारे पास नाप तोल से उनका भार तोलन तो कर सकते हैं लेकिन हम उनको क्या, उनकी गिनती नहीं करेंगे। तो ऐसे ऐसे ये शब्द जो है किस में आएंगे। देखो इसका सही उत्तर जो होगा, आपने लिख लिया होगा, तो यहां से देखिए सही उत्तर होगा इसका ग, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, किस में आएंगे, ये द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगे। प्रश्न नंबर चार, निम्न में कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा। अब देखो कि ये हमारे पास जो ये चार के चार जो शब्द जो दिए हुए हैं, अब इसने देखा कि द्रव्यवाचक, ऊपर हमने क्या पढ़ा, ऊपर हमने पढ़ा कि जिसे हम नाप तोल सकते हैं लेकिन हमें, हम जो उनकी गिनती नहीं कर सकते, नाप तोल तो सकते हैं लेकिन गिनती नहीं होगी। नीचे हमारे पास प्रश्न जो है, निम्न में कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा। तो सोना, सुंदर, अर्थशास्त्र, गिरो। ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो होगा हमारे पास, तो कमेंट करिए जल्दी से, तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा क, सोना। ठीक है, ऊपर हमने पढ़ा कि नाप तोल तो सकते हैं हम, ठीक है, तो उनको, लेकिन उनकी गिनती नहीं करेंगे हम। नीचे हमारे पास प्रश्न वैसे ही आ गया कि द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत हम किसको रखेंगे, तो किसको, सोना। प्रश्न नंबर पांच जो, कौवा पेड़ पर बैठा है, इनमें कौन सा कारक है। अब कौवा जो है पेड़ पर बैठा, हमने देखना है क्या, पर, हमने जैसे ही पर को देखा तो पर अब कौन से कारक की विभक्ति में आएगा। देखो हमारे पास जो है अपादान, करण, कर्म, अधिकरण, तो अब इसके साथ
कौआ पेड़ पर बैठा है, तो इसमें कौन सा कारक है? हमारे पास हमने पर देखा, तो पर में कौन सा ये कारक आएगा? तो देखो कि अपादान आएगा, करण आएगा, कर्म आएगा या अधिकरण। तो इसका सही उत्तर आपने लिख लिया होगा, इसका सही उत्तर देखो क्या होगा, इसका सही उत्तर जो होगा घ, अधिकरण में पर। इसमें एक तो मे भी आएगा और दूसरा हमारे पास यहां पे दिया हुआ है कौन क्या है, हमारे पास पर है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 6, मैं अपनी किताब ले जा रहा हूं, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? ठीक है, मैं अपनी, एक तो मैं आ गया अपने लिए, खुद के लिए, मैं अपनी किताब ले जा रहा हूं, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम या पुरुषवाचक सर्वनाम। तो जो निज, ये मैं जो है, मैं किसके लिए आएगा? मैं जो आएगा किसके लिए? अपने लिए आएगा, केवल अपने लिए। निज, निज का अर्थ क्या होगा? मैं। ठीक है, निज का अर्थ क्या होगा? मैं अपनी किताब ले जा रहा हूं। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा ख, निजवाचक। ठीक है, प्रश्न नंबर सात, चिरायु में कौन सा उपसर्ग है? अब देखो कि चिरायु, अब हमने क्या किया कि उपसर्ग, हमारे पास उपसर्ग जो है, ठीक है, उपसर्ग को हम जो लगाएंगे वो शब्द से पहले या धातु से पहले लगाएंगे, किसको? उपसर्ग को। अब देखो कि चिरायु में कौन सा उपसर्ग है, ची, ठीक है, चिर, चिरा या इनमें से कोई नहीं। हम उपसर्गों का प्रयोग शब्द या धातु से पहले करेंगे। ठीक है, तो अब देखो कि सही उत्तर जो होगा इसका, तो क्या होगा? सही उत्तर होगा चिर, ख। ठीक है, चिरायु में कौन सा उपसर्ग है हमारे पास? चिर। अब देखो कि नीचे प्रश्न नंबर 8, उत्तम शब्द का विपरीत अर्थक विलोम, उसका उल्टा जो अर्थ होगा क्या होगा? उत्तम का अति उत्तम, अनुत्तम, मध्यम या अधम। ठीक है, अभी हमारे पास शब्द कौन सा है? उत्तम। ठीक है, उत्तम होता है श्रेष्ठ। ठीक है, तो उत्तम शब्द का विपरीत हमने बनाना है क्या? उल्टा बनाना है, उसका विपरीत अर्थक। ठीक है, अति उत्तम, अनुत्तम, मध्यम या अधम। तो इसका सही उत्तर देखो क्या होगा? घ, अधम। ठीक है, उत्तम का विपरीत अर्थ क्या होगा? अधम। प्रश्न नंबर नौ जो है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अब हमने ऐसा शब्द देखना है जहां पर हमारे पास उपसर्ग नहीं है। ठीक है, अधिकतर, अनर्थ, प्रतिकार, अपरिचित। ठीक है, अब देखना है कि हमारे पास ये जो, अब देखो कि ऊपर जो है हमारे पास अधि, प्रति, अप, ये सारे के सारे उपसर्ग हैं, तो बचा क्या हमारे पास? ये बचा ख, अनर्थ। ठीक है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अनर्थ में उपसर्ग नहीं है। अब देखो प्रश्न नंबर 10, ऊंट चढ़े पर कुत्ता काटे कहावत का अर्थ है, लोकोक्ति है हमारे पास। ठीक है, ऊंट चढ़े पर कुत्ता काटे, लाभ हर जगह, विपत्ति हर जगह, सुख हर जगह, जरूरत की पूर्ति हर जगह। हमारे पास एक कहावत है, क्या कहावत है? ऊंट चढ़े पर कुत्ता काटे। ठीक है, ऊंट चढ़े पर कुत्ता काटे ही हमारे पास कहावत है, लोकोक्ति है। इसका सही उत्तर देखो क्या होगा, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आइए, कमेंट करिए और सही उत्तर देखिए। सही उत्तर जो होगा घ, जरूरत की पूर्ति हर जगह। अब जरूरतमंद लोगों की पूर्ति, भरपाई जो होती है वो हर जगह होती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 11, अब प्रश्न नंबर 11, ट का उच्चारण स्थान टवर्ग। अब उच्चारण स्थान का क्या अर्थ होगा कि टवर्ग में जितने भी आएंगे, ठीक है, ट, ठ, ड, ढ, ण, जितने भी आए, ये एक वर्ग में 5 आते हैं, तो उनका उच्चारण स्थान जो होगा क्या होगा? ठीक है, तो क्या होगा? तालु, मूर्धा, कंठ या ओष्ठ। तो जल्दी से कमेंट करिए, इसका सही उत्तर देखिए। इसका सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा ख, मूर्धा। ये एक केल, अकेले ट का ही नहीं, इसके वर्ग में जितने आएंगे, 5 आएंगे, पांचों का पांचों जो उच्चारण स्थान है वो मूर्धा ही होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 12, राम ने कहा कि
वह बाजार जा रहा है, इस वाक्य में वह, अब वह आ गया है। अब इस वाक्य में वह क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्ययी? तो देखो कि राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है, तो इस वाक्य में वह जो है कौन सा हमारे पास है, ये संज्ञा होगा, सर्वनाम, विशेषण या अव्ययी? तो देखो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए। तो इसका सही उत्तर जो होगा तो होगा ख, सर्वनाम। प्रश्न नंबर 13, सो का कुल समास है शोक से व्याकुल। सो का कुल समास है अव्यय भाव, तत्पुरुष, कर्मधारया या बहुव्रीहि। तो हमारे पास क्या है, सो का कुल शोक से व्याकुल। तो यहां पे हमने क्या किया, इसका विग्रह किया, ये हमारे पास समस्त पद है, एक पद है समस्त, ठीक है, इसका हमने क्या किया, विग्रह किया, शोक से व्याकुल, ठीक है, अव्यय भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय या बहुव्रीहि। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा ख, तत्पुरुष, ठीक है। तो अब देखो कि यहां पे तत्पुरुष जो होते हैं वो आर तक आएंगे, विभक्ति जो आएगी वो आर तक, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन तक जो आएंगे ये तत्पुरुष होंगे, ठीक है। अब देखो कि अठ कोना में कौन सा समास है, अठ कोना में आठ कोनों वाला, हमने एक हमारे पास ये समास पद है, इसका हमने विग्रह किया, तो क्या किया, आठ कोनों वाला। तो जैसे ही हमने क्या देखा, अठ देखा आगे, ठीक है, तो हमारे पास ये क्या है, एक अठ जो देखा हमारे पास ये संख्या है, ठीक है, संख्या है। तो अब संख्या वाला कौन सा समास होगा, द्विगु, कर्मधारया, द्वंद्व या बहुव्रीहि? तो अठ कोना, तो हमारे पास यह समास कौन सा होगा, सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा द्विगु क। अब प्रश्न नंबर 15, वृत्ति किसका पर्यायवाची है, वृत्ति। अब हमारे पास वृत्ति जो है किसका पर्यायवाची है, तो अब देखो कि जीवन, याचना, ठीक है, याचना क्या होता है, मांगना, ठीक है, और जीविका, इनमें से कोई नहीं, वृत्ति। अब वृत्ति का क्या होगा, सही जो पर्यायवाची क्या होगा इसका, जल्दी से कमेंट पे आइए, कमेंट लिखिए, इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा ग, जीविका, ठीक है, कमाई। जंगम का विलोम शब्द है, जंगम का विलोम शब्द है, ये जंगम है, जंगल नहीं है, ये जंगम है, ठीक है, जंगम का विलोम शब्द है, यहां पे ये जंगम, ठीक है। तो स्थूल, स्थावर, स्थिर या डरावना, तो जंगम का हमारे पास विलोम जो है क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा क्या होगा, ख, स्थावर। अगला प्रश्न जो है, गंगा से उत्पन्न होने वाले को कहते हैं, अब गंगा से जो उत्पन्न होगा उसको हम क्या कहेंगे, गंगय, गंगू, गंगपुत्र या गंगीय? अब देखो कि गंगा से उत्पन्न होने वाला एक वाक्यांश, एक वाक्य बनाना, एक शब्द बनाना है इसका हमने, कि गंगय, गंगू, गंगपुत्र या गंगीय। तो देखो कि इसका सही उत्तर क्या होगा, क, गंगय, ठीक है, गंगा से उत्पन्न होने वाला। आप प्रश्न 18, गुजारा में कौन सा प्रत्यय है, गुजारा। अब देखो कि प्रत्यय जो लगते हैं वो शब्द या धातु के बाद में लगाए जाते हैं, ठीक है, तो गुजारा में कौन सा प्रत्यय है, आउ, आड़ी, अक या आ, गुजारा। तो देखो गुजारा, तो इसमें ऐसे ही राह से पता चल जाएगा कि कौन सा यहां पे हमारे पास प्रत्यय है, इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा घ, आ, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, जान पर खेलना तात्पर्य क्या है, ये मुहावरा है हमारे पास, क्या मुहावरा, जान पर खेलना। तो देखो कि प्राणों को संकट में डालना, निडर होना, बलवान होना, किसी की ना मानना, ठीक है,
हमारे पास मुहावरा क्या है, जान पर खेलना, ठीक है, प्राणों को संकट में डालना, निडर होना, बलवान होना, किसी की ना मानना। तो जल्दी से कमेंट करिए क्या होगा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा क, प्राणों को संकट में डालना। सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए, सही वर्तनी। अब देखो कि सही वर्तनी जो गलत जो लिखा हुआ है, ठीक है, इसका हमने ठीक रूप बनाना है, शुद्ध रूप, निरुपाय, निरपाय, निरुपाय या निरुपया। तो सही वर्तनी इसको हमने शुद्ध करके लिखना है। इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर जो होगा हमारे पास क, निरुपाय, ठीक है। प्रश्न नंबर 21, अब प्रश्न नंबर 21 जो है निम्न से शुद्ध वाक्य है। अब शुद्ध कौन सा है, उसे मृत्यु दंड की सजा मिली है, यह मेरी किताब है, उन्हें समझ में आ जाएगा, आपकी दही बहुत खट्टी है। तो देखो कि शुद्ध, हमने शुद्ध वाक्य देखना है कि शुद्ध वाक्य, ठीक वाक्य जो है हमारे पास कौन सा, इन चारों में से कौन सा वाक्य जो ठीक है, ठीक है। तो आपने उत्तर लिख लिया होगा। अब देखो कि इसका सही उत्तर, इसका सही उत्तर जो है हमारे पास वो है ख, यह मेरी किताब है, ठीक है। बाबा ने चंद्रभूषण को डंडा मारा, इस वाक्य में कौन सा कारक है, बाबा ने, ठीक है, बाबा ने, हमने देखना है ने, ठीक है, बाबा ने चंद्रभूषण को डंडा मारा, वाक्य में कौन सा कारक है, करण, संबोधन, कर्ता या अपादान। अब सबसे पहले देखो कि विभक्ति में जो आता है कारक में ने, वो कहां आता है, करण में आता है, संबोधन में, कर्ता में या अपादान में, तो किस में आता है ये, कर्ता, ग, इसका सही उत्तर जो होगा ग, कर्ता, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 23, प्रश्न नंबर 23 जो हमारे पास, दिव्यास्त्र में कौन सी संधि है, हमारे पास क्या है दिव्यास्त्र। अब देखो कि या जो हमारे पास ये बड़ा है, दिव्यास्त्र में कौन सी संधि है, स्वर संधि, व्यंजन, विसर्ग या इनमें से कोई नहीं। तो हमारे पास देखो कि हम इसका जब विच्छेद करेंगे, दिव्य प्लस अस्तर, ठीक है, जब हम क्या करेंगे, स्वरों को आपस में मिलाएंगे, किन स्वरों को, हमारे पास स्वर जो होते हैं 11, यहां पे स्वर कौन हुए, अ प्लस अ, दोनों छोटे स्वर हैं, जब हमने इनको मिलाया, ठीक है, तो बड़ा बन गया, आ बन गया, दिव्य प्लस अस्त्र बन गया। अब देखो कि संधि कौन सी हुई, तो संधि जो हमारे पास वो हुई क, स्वर संधि, ठीक है। प्रश्न नंबर 24, किस मास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, पहला क्या होगा, किस मास में पहला जो है विशेषण और दूसरा जो है विशेष्य होगा, तो कौन सा तत्पुरुष में होगा, बहुव्री, कर्मधारय या अव्ययी भाव। तो कौन सा है ये देखो कि जिसमें पहला पद जो है विशेषण और दूसरा जो है विशेष्य होगा, तो किस मास में आएगा वो, तो वो मास होगा कौन सा, ग, कर्मधारय, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 25, प्रभा कीट, प्रभा कीट, प्रभा क्या होता है, उजाला, प्रभा कीट, अब कीट जो क्या हो गया, ठीक है, प्रभा कीट किसका पर्यायवाची है, पतंग का, ठीक है, या तारा, जुगनू या मच्छर। तो प्रभा कीट, अब प्रभा कीट, प्रभा तो हो गया उजाला, ठीक है, अब प्रभा कीट इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा किसका, ग, जुगनू, ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा, जुगनू। अब हमने जितने भी 25, देखो कि 25 प्रश्न जो हमने पढ़े, ठीक है, उनके ये उत्तरमाला है, ठीक है, ये हमारे पास उत्तरमाला है। तो स्टूडेंट ये था आज का हमारा जो 25 प्रश्नों का महत्वपूर्ण सेट जो था, ठीक है, आज हमने पूरे के पूरे प्रश्न जो थे सभी क्या थे, मिक्स थे, कुछ के समास थे, कारक और पर्यायवाची, भिन्नार्थक, ठीक है, आज हमने ये पढ़ा। तो अगली क्लास में कुछ नया लेकर आपके सामने उपस्थित होता हूं, धन्यवाद।